कृष्णा, मैं रीना शुक्ला और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव। और आप लोग कहेंगे मैं इतनी जल्दी जल्दी अपने गांव क्यों जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही हूँ। चलिए, पहले मैं जाऊँगी अपने मम्मी पापा के घर, तो दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मेरे मम्मी पापा का घर कितना बन चुका है, वो भी दिखाऊँगी और फिर ले चलूँगी अपने ससुराल। और ये रहे हमारे ड्राइवर साहब, हमने अपना ड्राइवर एक रख लिया, पर्सनली ड्राइवर है हमारा। तो ये हमारे घर जाने के लिए जो हाईवे नया बना है, अब ये चालू हो गया है यहाँ से, तो देख लीजिए तभी इतना साफ़ सुथरी रोड है। और पीछे से जो आवाज़ आ रही है उनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ गांव और गांव में तो शोर शराबा होता ही है। और मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए। और गाँव जाने से पहले मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर, तो मैंने बोला काफ़ी दिन से मैं अपनी मम्मी के घर नहीं आई थी, मैं जनवरी में आई थी अपनी मम्मी के घर, तब से अब आ रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये देख लीजिए मेन गेट है कॉलोनी में एंटर होने के लिए, ये कॉलोनी अभी बनना स्टार्ट हुई है। और ये रहा मेरी मम्मी का घर, और यहाँ पर मेरी मम्मी ने एक प्यारा सा पाल रखा है डॉगी। चलिए डॉगी से भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए घर पहुँच चुकी हूँ, और ये मेरी मम्मी ने एक डॉग पाल रखा है, ये डॉग भी हो गया 10 साल का, 10-11 साल का हो रहा है। और जब मैं घर जाती हूँ ना, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पहचानता है और ऐसे ही पैरों में लिपट के खुद दुलार दिखाने लगता है। तो खाली मैं प्यार से इसके सर पे हाथ रख देती हूँ। और देख लीजिए ये मेरी मम्मी का जो नया वाला घर बन रहा है ना, वहाँ पर है तो लाइट नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही छोटे से टार्च से दिखाया जा रहा था। ये देख लीजिए घर बन के तैयार हो गया है और बहुत सुंदर ये घर हुआ है, कलर हो रहा है, लाइट नहीं आ रही थी इसीलिए मैं ढंग से इसका वीडियो नहीं बना पाई। ढंग से क्या, ढंग से तो बनाई है, बस लाइट नहीं है, इस कारण से आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है। और ये मेरे पापा हैं और मुझे दिखा रहे हैं पूजा घर, ये पूजा घर बन गया है। घर बने और पूजा घर ना हो तो फिर तो घर बनने का कोई वही नहीं है। और ये है किचन, देख लीजिए कितनी सुंदर किचन बनी है, और सिंक काफ़ी बड़ी लगा दी है, ये देखिए बहुत बढ़िया सिंक लग गई है यहाँ पर। और देख लीजिए मैंने जैसे कहा था पीछे से आवाज़ आएगी उसको इग्नोर करते रहिएगा, और सब इधर उधर की बातें हो रही है। देख लीजिए सिंक कितना बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, 2 लोगों के हिसाब से घर काफ़ी अच्छा बन गया है, काफ़ी बड़े में है, 3 बड़े बड़े रूम निकल गए हैं, 2 जगह बरांडा निकल गया है, और छत पर भी काफ़ी जगह है, और कितना चाहिए। और सिर्फ मेरे पापा मम्मी और चाचा को ही साथ में रहना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या आते टाण और मम्मी किचन की दिखा रही थी, और गैस किस तरफ रखी जाएगी, पापा सब मतलब एक एक सामान दिखा रहे थे कि देख लो इस तरीके से ये बना है। और यहाँ पर शुक्ला जी भी हैं, और ये मेरे पापा हैं, और मेरी मम्मी भी यहीं पर खड़ी हुई थी। तो देख लीजिए बस एक गलती हो गई ना, जो यहाँ पर किचन की टाण ढाली गई थी ना वो काफ़ी मोटी हो गई थी। और यहाँ देखिए वायरिंग का काम भी हो रहा है, मतलब वायरिंग क्या बोलते हैं इसको, तार वायर जो डालना चाहता है ना, छोटे छोटे बल्ब वल्ब जो लगते हैं वही सब काम हो रहा है, और फाइनल काम हो रहा है। नीचे टाइल्स पत्थर का कोई काम नहीं होगा, सिंपल फर्श बन रहा है, तो फर्श पड़ चुका है, और जीने के नीचे काफ़ी काम अभी बाकी है, तो वही सब काम हो रहा है। और यहाँ पर पापा बता रहे हैं यहाँ वाश बेसन लग जाएगा, छोटी छोटी जानकारी बता रहे थे, कह रहे थे यहाँ पर वाश बेसन लगवा देंगे, और जीने के नीचे फ्रिज रखा जाएगा, और या वॉशिंग मशीन, इस तरीके से वही सब बता रहे थे। और देखिए बरांडे में काफ़ी उजाला है, लेकिन घर के अंदर काफ़ी अंधेरा था, मैं दिखा नहीं पाई। और ये है ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम बाहर की तरफ है, तो इसमें तो उजाला रहेगा ही। और देख लीजिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले खेत था, तो खेत के वजह से यहाँ पर मतलब अभी ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन जहाँ इंसान पहुँच गया धीरे धीरे वहाँ आबादी भी हो जाएगी। तो मम्मी यही सब हमें दिखा रही थी। और ये देखिए न्यू दरवाज़ा लगा है, एक ही दरवाज़ा भी लगा है, और बाकी दरवाज़ा पापा ने रोक दिए क्योंकि उनको इसका डिज़ाइन नहीं पसंद आया था। और नल यहाँ पर लगवा दिया, अभी यहाँ पर फर्श नहीं पड़ा है, ये फर्श पड़ेगा, ये मेन गेट है। चलिए मैं आपको बाहर से पहले चलिए छत पे ही दिखा देती हूँ। ये देखिए छत पे जा रही हूँ मैं, छत का ये जो जीना है ना, यहाँ पे प्लास्टर होना भी रह गया। और मैं इस वीडियो का टाइटल रख दूँगी यूट्यूब की सैलरी से मैंने घर कराया घर में रंगाई पुताई का काम। YouTube पता नहीं कब पैसा देगा, लेकिन पहले ही मैं टाइटल रख देती हूँ। तो यहाँ पर पापा और मैं आ गए हैं, देखिए यहाँ मिस्त्री लगे हुए थे यहाँ पर, और मेरे को पता नहीं था कि यहाँ मिस्त्री बैठे हैं, और मैंने जब उनको अचानक देखा तो मैं डर भी गई। और यहाँ पर देखिए पापा बता रहे हैं कि एक लैट्रिन बाथरूम इस तरफ निकल जाएगी, यहाँ छत पर उजाला है तो काफ़ी अच्छे से देखिए सब समझ आ रहा है, और अंदर लाइट नहीं थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और ये देखिए आसपास का भी सूरज भी अस्त हो रहे हैं। इसी के बाद मैं अपने ससुराल भी चली गई थी। और ये जो नीचे थोड़ा सा फर्श काट दिया गया है ना छत का, यहाँ पर शीशे लगेंगे जिससे हमेशा घर में रोशनी बनी रहे। और देखिए कितनी पक्की रोड बनी हुई है, मतलब सब सुविधा तो है। यहाँ बगल में भी प्लाट पर काम हो रहा है। और यहाँ ये देखिए फाइनल लुक इस तरीके से, बाहर से इस तरीके से भी रेलिंग नहीं लगी है, सब काम पेंडिंग है, धीरे धीरे काम हो रहा है। तो ये देखिए बाहर का कुछ इस तरीके से ये लग रहा है। लुक कैसा लगा आप लोगों को तो बताइएगा। वो देखिए सूरज अस्त हो रहा है। तो चलिए मैं भी वीडियो का एंड करती हूँ, और टाटा और बाय बाय। और मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।